अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, साइंस कंटेंट के एग्ज़ामिनेशन मॉडल टाइप के क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल बोला जाएगा लेकिन चार ऑप्शन नहीं कहे जाएंगे ताकि वीडियो तवील ना हो सके। क्वेश्चन कहने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा दिया जाएगा। इस वक्फ़े में आप खुद सोचकर जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर हम जवाब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए टाउन इन ए समर डे इज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड देन द करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज़। गर्माई दिनों में एक टाउन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45 दर्जे सेंटीग्रेड है, तब इसका मुमासिल दर्जे हरारत फारेनहाइट स्केल में है। जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर 113 डिग्री फारेनहाइट। आंसर 113 डिग्री फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 32। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज़। कार्बन के 60 ग्राम्स में मौजूद सालिमों की तदाद। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर 5। आंसर 5 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 33। 3 बैटरीज ईच ऑफ 2 वोल्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट EMF is। तीन बैटरीज जो हर एक 2 वोल्ट्स के हैं मुतवाजी तौर पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, हासिल करदा बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर 2 वोल्ट्स। आंसर 2 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34। इट इज़ एन ओपेक सब्सटेंस। ये एक गैर शफाफ शय है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर वाल। आंसर वाल यानि दीवार। आंसर वाल यानि दीवार। क्वेश्चन नंबर 35। एग्जाम्पल्स फॉर पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय विंड रिस्पेक्टिवली आर। पानी से होने वाली जीरगी और हवा से होने वाली जीरगी की मिसालें। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर हाइड्रिला मेज। आंसर हाइड्रिला मेज। हाइड्रिला मकई। हाइड्रिला मकई। क्वेश्चन नंबर 36। द फर्स्ट एड किट इन ए क्लासरूम कंटेंस टार्टरिक एसिड आयोडीन एंटीसेप्टिक लोशन एंड पोटाशियम परमैंगनेट। द आइटम यू यूज टू गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम ऑफ स्कॉर्पियन बाइट इज। एक कमरे जमात में इब्तदाई तिबी इमदाद के डब्बे में टार्टरिक तुरशा आयोडीन एंटीसेप्टिक लोशन और पोटाशियम परमैंगनेट हैं। बिच्छू के काटने पर आप इनमें से इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए क्या अशिया इस्तेमाल करेंगे। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर पोटाशियम परमैंगनेट या टार्टरिक तुरशा। पोटाशियम परमैंगनेट और टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 37। द स्किन डिजीज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी इज। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर पेलर्गा। आंसर पेलर्गा। क्वेश्चन नंबर 38। द पेस्ट ऑफ दिस लीफ इज यूज्ड एज ए मेडिसन फॉर स्कैबीज। खारिश के लिए इस पत्ते का गोदा दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर तुलसी। आंसर तुलसी यानी तुलसी का पौधा, उसका जो पत्ते का जो गोदा रहता वो ख़ारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द लीव्स ऑफ। इनके पत्तों से नए पौधे नशोनुमा पाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर बिगोनिया, बी ई जी ओ एन आई ए। आंसर बिगोनिया। क्वेश्चन नंबर 40। कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड व्हेन। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है जबकि। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर टेम्पररी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड। आंसर टेम्पररी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड। आरजी भारी पानी को उबाला जाता है। आरजी भारी पानी को उबाला जाता है। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के सवाल। MS डिजिटल NZB यूट्यूब चैनल की तरफ से TRT और TET के लिए मुख्तलिफ मजामिन के सवाल पेश किए जा रहे हैं वीडियो की शक्ल में। आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट या प्ले लिस्ट से जब भी फुर्सत मिले आप वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ मजामिन के वीडियोस सेशन वाइज पेश किए गए हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा कीजिए। ये तमाम वीडियोस में एग्जामिनेशन मॉडल टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आसानी हो सके। इन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे मज़ीद सवालात की आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह इन वीडियोस में जो सवालात पेश किए गए हैं वो आपको एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने में आसानी फराहम करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किस टाइप के सवालात आते ये मालूम होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो से आप ज़रूर इस्तेफादा कीजिए और वीडियोस को दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफज़ाई हो सके। इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस वक्त के लिहाज से पेश किए जाते रहेंगे। मुख्तलिफ मजामिन के एग्ज़ामिनेशन मॉडल टाइप के क्वेश्चन वीडियोस में बताए जाएंगे। उम्मीद कि आप हमारे वीडियो से इस्तेफादा करेंगे।